हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन संडे और ये मेरे जो है कंडे, ये सूख गए हैं। मतलब मैंने ये जो हवन के लिए छोटे छोटे से कंडे बना के रखे थे ना, वो हैं, और थोड़ी सी होली के बचे हुए बल्ले भी हैं, तो इनको सबको मैं अब सूख गए अच्छे से, तो भर के पॉलीथिन में रख दे रही हूँ, ताकि जब मैं व्रत मेरा होता है उसके लिए हवन में थोड़े थोड़े से काम आ जाएंगे, तो ये काफ़ी दिन चलेंगे, तो मैंने इनको बांध लिया है भर के। और यहीं पर नंदिनी से रखवा दिए हैं मंदिर में, क्योंकि ये तो गाय के गोबर के शुद्ध कंडे हैं, तो मंदिर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हवन के लिए ही हैं। और उसके बाद आज संडे है, तो पूरे बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कहीं बैठा है, कोई लेटा है, कोई पढ़ रहा है, तो इसलिए फैले पड़े रहे, इनको मैं समेट नहीं पाई हूँ, तो इसलिए मैं आज इस टाइम समेट रही हूँ अभी शाम के टाइम में। तो ये सब मैंने बिस्तर अभी पूरा बेड साफ़ किया है, लगाया है, पूरा झड़ाया है, क्योंकि आज के दिन छुट्टी वाले दिन ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि सुबह से साफ़ कर दो तो शाम तक बना रहे, शाम तक भी गंदा ही रहता है। और वही हाल अभी सोफे की भी हो रहे हैं। वैसे मैं दिन के टाइम में जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर मैं इसको साफ़ करके चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें खुद ही नहीं ज़्यादा बैठती हूँ कि बार बार बिगड़े ना, लेकिन अभी क्या है, सब टीवी भी सब लोग देखते रहे बैठ के, तो पूरा ऐसे फैला पड़ा हुआ था, और इसमें खाने वाने की चीज़ें भी गिरती रहती हैं, तो अभी मैंने पूरा झाड़ के इसको साफ़ किया है, और एक बार पूरे घर में शाम वाली झाड़ू लगा दूँगी। और देखने से लग रहा होगा कि कूड़ा नहीं है बिल्कुल, लेकिन कूड़ा बहुत है, छोटा छोटा कूड़ा सब जगह। एक तो यहाँ पर हवा बहुत चलती है, अगर आप दोनों टाइम झाड़ू नहीं लगाओगे तो पूरे घर में भर जाता है। और बालकनी की जो खिड़की है बड़ी वाली, वो मैं बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हवा आती रहती है ताज़ी, तो उसके साथ धूल भी आती है। और अभी फ्रिज में रखी थी मलाई, काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं निकाल के उसे बाहर रखा ही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज का जो फ्रीजर वाला गेट है वो टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से अगर सबसे ऊपर मलाई रखते हो ना तो वो जम के एकदम टाइट हो जाती है, इसलिए मैं उसे पहले से बाहर रखा हूँ, ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और जब तक यहाँ पर मैं फ्रिज में लगा दे रही हूँ सारी सब्जियाँ, क्योंकि इनको कल मैंने रात में धो के रखा था, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं इनको सेट कर पाई थी। और इस गोभी को भी मैं काट के अलग अलग करके रख दूंगी, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो पाए। तो ये सारी सब्जियां धुल के सूख गई हैं, और अच्छे से फ्रिज में सबको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, तो ये सब्जियां पूरी सेट हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना मक्खन निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस बार ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई, वैसे 8-9 दिन में निकाल देती थी, लेकिन ये 12-13 दिन की हो गई है, इसलिए मैंने कहा इसको निकाल दूँ, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। और इस बार मैंने बड़े वाले भगोने में रखा था, वैसे मैं कटोरे में रखती थी, तो ये भी पूरा भर गया। ये देखिए अभी भी टाइट हो गई है, और ये मलाई निकालने के लिए अभी मैंने ताज़ा पानी भी भर के रख लिया है, क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा पानी होता है उससे बहुत जल्दी तुरंत निकल आती है। कई तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मुझे बहुत ईजी लगता है, बस इसमें डालो, थोड़ा सा चलाओ, तुरंत निकल आती है, एकदम टाइट होकर इसमें मक्खन निकलता है, पूरा अच्छे से निकल जाता है, एक भी नहीं बचता है। बस ताज़ा ये समर का पानी डाल के और मिक्सी में इसको बस मैं 2 बार ऐसे चलाऊंगी, और पूरा मक्खन ऊपर आ जाता है, और एकदम टाइट होके मक्खन निकलता है इसमें। देखिए एकदम छाछ जो पानी है उसमें बिल्कुल भी मक्खन नहीं रह जाता है, पूरा अलग हो जाता है। तो बस इसको मैं निकाल दूंगी इस तरीके से। और आप लोग पूछ रहे थे, मैं वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी पूछते हैं कि आप कौन सा दूध लेते हैं, तो यहाँ पर आंध्रा में फुल क्रीम वाला विशाखा डेयरी का दूध आता है। और फुल क्रीम
क्रीम वाले दूध में मलाई निकलती भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, तो मैंने ये सारा मक्खन निकाल दिया और ये पूरे मक्खन से पूरा कटोरा ऊपर तक भर गया। ये देखिए, इसमें मतलब जितनी मलाई दिख रही थी लगभग उतना ही, क्योंकि मलाई ही तो पूरा मक्खन ही होती है, तो ये सारा मक्खन ही निकल आया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा भी निकालने में जो कटोरे में बच गया है, इसको भी मैं पूरा ऐसे छटा के निकाल दूंगी और उसके बाद इसको उठा के रख दूंगी फ्रिज में ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो फिर मैं कल इसको गर्म करूंगी। लोगों के लिए एक आधा पड़ा है वो अयान का है। और आप लोग सोचेंगे हम तो खिलाती हूँ, झूठ पूछ लेती हूँ, तो पहले आप लोग ही भोग लगाएंगे। लास्ट के पेड़ बचे हैं, लास्ट वाले चीज बहुत टेस्टी लगती है। तो घर पे जितना भी घी यूज़ होता है वो इससे ही पूरा हो जाता है। बस जो पूजा के लिए होता है वो मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ, क्योंकि इस दूध की मलाई जो निकालते हैं, ये दूध हम डेली यूज़ करते रहते हैं, कहीं चाय में कहीं कुछ, तो दिन भर उसको छूते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको पूजा में यूज़ नहीं करती हूँ, और बाकी तो हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने किया था गर्म पानी, और गर्म पानी डाल के सारे चिकने बर्तनों को साफ़ कर दिया, और साथ ही साथ मैं इनको सबको मांझ के रख दूँगी ताकि ये पूरी मलाई वगैरह इनकी साफ़ हो जाए। और यहाँ पर नंदिनी कर रही है संध्या, और नंदिनी से अब मैं बोल देती हूँ सर पे दुपट्टा लेके पूजा करने के लिए। वैसे वो पहले ऐसे ही कर लेती थी ना, अब टोक टोक के उसकी आदत हो गई है, लेकिन ये नया वाला दुपट्टा लेके आई थी, इसको बहुत पसंद है, यही वाला ओढ़ती है जब भी पूजा करती है। और आप लोग पूछ रहे थे कि दी आप कौन सी मूवी देख रहे थे, तो हम लोग असुर सीरीज़ देख रहे थे, जो कि पूरी ख़त्म हो गई, हमने ख़त्म कर दी है थोड़ा थोड़ा सा देख के, अब उसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसका इंतज़ार रहेगा। यही होता है, एक पार्ट देख लो ना तो फिर बहुत जिज्ञासा हो जाती है दूसरा वाला देखने की। ऐसी हमने पंचायत देखी थी, पंचायत का फिर सेकेंड पार्ट आया ही नहीं, उसका भी बहुत इंतज़ार करते रहे कि वो आए तो हम देखें, तो बस ऐसी है। और इसके बाद हमने वो देखी थी योर ऑनर, तो वो भी हमने पूरी देख ली थी, वो वाली सीरीज़ भी, तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। और यहाँ पर ये कपड़े धुले पड़े हैं तो इनको जानियों में सुखाने, और मैंने दिन में कपड़े नहीं सुखाए हैं क्योंकि दिन में भी बहुत काम हो जाते हैं, या बीच में मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं कभी कभी एडिटिंग में लग जाती हूँ, तो जैसे मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं तो फिर मैं उन्हें सुखाना भूल जाती हूँ, लेकिन ये मशीन के कपड़े हैं तो आराम से रात में ये हवा में सूखते रहेंगे और सुबह तक ये सूख जाते हैं। और अब देख रहे होंगे कपड़े ज़्यादा मशीन से गंदे भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अब मैं लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर वाला ज़्यादा जम जाता है मशीन में और वही बाद में फिर कचरा बन के इकट्ठा हो जाता है, और मैं टब को भी यूज़ कर देती हूँ। हाँ, इतना काम करने के बाद जब चाय बनी बनाई मिले तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो आज संडे है, संडे वाले दिन ये खुद ही एक बार कहते हैं मैं चाय बना देता हूँ, तो फिर ये चाय बना रहे हैं, बाकी के मैंने अपने काम निपटा लिए हैं। आयान अभी सो के उठ के आए तो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो रहा था, इसलिए यहीं किचन में खड़े हुए थे, तो ये साथ में चाय बना रहे हैं और साथ ही साथ ये अपना न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ जल्दी जल्दी, ये करते हैं तसल्ली से तो देख सकते हैं। और जब तक मैं जाके काट ले रही हूँ सब्जी बैठे बैठे, आज मैं बनाऊंगी लौकी। वैसे मैं लौकी आलू मिला के बनाती, लेकिन मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि दी लौकी में आलू मिला के मत बनाया करिए, नुकसान करता है आलू के साथ लौकी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं पूरी लौकी ही बना लेती हूँ। तो ये एक लौकी ये मैं पूरी अभी बना लूँगी, तो ये सबके लिए हो जाएगी, तो मैं सिंपल हरी मिर्च वगैरह डाल के सिंपल लौकी बनाऊँगी, हल्की सी गाढ़ी सी कर दूँगी ताकि ये चावल खा सकें।
के बाद में मैं आ गई हूँ सब्जी चौंकने के लिए, और मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बना दे रही हूँ, सब्जी बना के रख दे रही हूँ, चावल बाद में रख दूँगी, रोटी बाद में सेक दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जैसे इसके टिफ़िन विफिन में बनाने के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता है, तो वही सब मैं लेके आऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा ले आऊँगी हफ्ते भर के लिए। कुछ जैसे खस्ते टाइप के बिस्किट होते हैं या सिंपल चिप्स होती है बिना मिर्च मसाले की, थोड़ा बहुत रख देती हूँ मैं, और मिल्क वाली ब्रेड ले आऊँगी तो एक एक दो दो वो सेक दिए, कभी फल ले आऊँगी तो थोड़े से फल जैसे केला वगैरह रैप करके रख देती हूँ, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रख देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो ये टेस्ट करे। और बस यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक के रख दी है, और अभी रात का टाइम हो रहा है तो इनको मैं दे रही हूँ दवा, इनकी अचानक तबीयत थोड़ी इसमें एक वो है, ये वाली दर्द बुखार की है, दूसरी एंटीबायोटिक है, यही वाले लोग हैं वो जो डॉक्टर से लेके आई थी राम कुमार डॉक्टर से, मेरे को यही काम करते भैया, गरीब आदमी हूँ, यही चाहिए। अभी रात के 12:30 बजे हैं और अभी सोने का नंबर नहीं आया है, पहले ही चिल्ला रहा है मुझे पॉटी आ रही है। मैंने एक दो बार कोशिश करी है सो जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही थी, थकावट थी, लेकिन सोया नहीं, कह रहा सच में आ रही है, इनको पॉटी करा के आई, जब तक ये कह रहे मुझे थोड़ा सा ऐसी हरारत सी लग रही है, धूल से एलर्जी हो गई है, बाहर गया था गाड़ी से तो धूल से एलर्जी सी लग रही है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, तो इनके लिए अभी दवा ढूंढ के लाई हूँ एंटीबायोटिक और वो दर्द बुखार की है, अब ये सोएगा नहीं, और सुबह मुझे जल्दी उठना होता है इसके स्कूल की वजह से। और बताओ 12:30 बज रहे हैं। बाय द वे आयान के लिए गुड न्यूज है भैया, कल स्कूल नहीं है आयान का, स्कूल नहीं है, अभी मैसेज आया ना मैडम का, हाँ क्या आया, विशाखा पत्तनम बंद है, अच्छा तो स्कूल नहीं है इनका, ऑफिस तो है तुम्हारा, ऑफिस तो है, तोड़ना तो पड़ेगा। तो अब मैं आयान को सुलाऊंगी और इनको सुलाते सुलाते मुझे 1:30 बज जाएगा, फिर वही सुबह जल्दी उठने का टाइम आ जाएगा। तो मैं करूंगी इस वीडियो को एंड, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।